पेट में सी समझदार आई थी, कैसे ज्यादा समझदार है, ताने पड़ रहे हैं ताने। अबे देख लो, अबे हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके, और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अब मैंने अपना पूरा स्केड्यूल चेंज कर लिया, सुबह सुबह तुम्हारा भाई डेली जिम जाने लगा है। अब जिम निकलते हैं हम लोग, से पहले खा लें कुछ। भाभी इन्हें शकर गंदी बोलते हैं, शकर कंदी, एक कमेंट आया था, शकर गंदी बोलते हैं हम लोग तो यार। कमेंट आया था एक भाई का, यूं कह रहा शकर कंदी, शक्कर गंदी बोलते हैं यार हमारे यहाँ तो। बचपन में तो मैं शक्ल गंदी बोलता था, सोचो पता ही नहीं था क्यों कहता था, शक्ल गंदी खिला दो मम्मी, शक्ल गंदी। तो बड़े हो गए किसी ने बताया भाई शक्ल गंदी नहीं शक्कर गंदी। चलो ठीक है भाई, सुनो जिम जा रहे हैं और जिम से वापस जब आए तो खाने को कुछ बढ़िया बना होना चाहिए। बताओ भाई क्या खाओगे? कुछ पोहा वोहा जो भी बनाना है, ठीक है, और टेस्ट होना चाहिए पोहा में, ऐसे नहीं बना दिया। पनीर ले आना और ब्रेड का पैकेट ले आना, कल सैंडविच बना दूं। ठीक है। सुबह सुबह ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, अब तुम सोचो सुबह सुबह इतनी ठंड में अगर कोई उठ के जिम जा रहा है, मतलब उसे जिंदगी में कुछ करना है, समझ रहे हो? घर जाके वापस आके मुझे सोना है, समझ रहे हो तुम? वो देखो अंकल जी शिटजू लेके जा रहे हैं अपना, एक मिनट यार देखो, प्यारा सा पिल्ला लेके जा रहे हैं सुबह सुबह वॉक कराने उसे भी। जिम में आके इन्हें आ रहा है एकदम बुरी तरह आलस। अब देखो यूं कह रहे हैं अब क्या करूं, ये देखो 10 की प्लेट लगा रखी है और कितने खुश हो रहे हैं, बिल्कुल जरा सी शर्म नहीं रही इन्हें। जिम से निकल चुके हैं घर के लिए और हमने ले लिया देखो एक ब्रेड का पैकेट, पनीर, और इसमें ले लिया दो समोसे क्योंकि यहाँ पे एक शॉप है जो मम्मी को बहुत पसंद है, तो मैंने चलो समोसे ले चलते हैं, मैं भी खा लूंगा। भाभी अब बढ़िया सा सैंडविच बना देना एकदम, ठीक है? पता कितनी महंगी पनीर है, कितनी महंगी। मम्मी ओ मम्मी तुम्हारे लिए समोसे भी आया, तुम्हारे फेवरेट का है, नहीं खा के नहीं आया लेके आया हूँ बस। अरे हम तो वो खाएंगे ना मम्मी जिम का, वो रहा समोसा तुम्हारा, लो ये लो प्लेट। भाभी सैंडविच के लिए काटा आपने इतना बढ़िया, यार हमारी भाभी तो बड़ी समझदार हो गई। अच्छा काटा ना बारीक बारीक। हाँ कब हुए आप इतने समझदार? मैं तो पहले ही थी, आपको पता नहीं था तो मैं क्या करूँ। अच्छा क्या कह रही हो मम्मी? समझदार आई। अच्छा पेट में सी समझदार आई थी, कैसे ज्यादा समझदार है? ज्यादा समझदार कह रही है ताने मार रहे हो सही में है मम्मी? नहीं नहीं सही में बोल रही है मम्मी, ताने पड़ रहे हैं, ताने ताने पड़ रहे हैं। आ रही है सुनाई नहीं आ रही? जिम करके आए हम, जिम क्या करके आए? तो फिर मोल लोगे बने हम करके आए जिम, JIM जिम। मम्मी हरी चटनी ना आई वहां पे, मैंने की हरी चटनी ना है, कह रहा भैया आई ना है अभी, मैंने की तुम्हारी यही हरकत रह जाएंगी सुअर, हमारी मम्मी बिना हरी चटनी खाए आए समोसा, बताओ दिमाग खराब। मुझे गुस्सा भी होता है मम्मी, पर मैंने तुम्हारी शर्म कर ली, मैं चल छोड़ यार, मम्मी कहेंगी खाम खाम लड़ता रहता है। सही लग रहा है? बढ़िया मस्त। पनीर भाभी मेरे सैंडविच में तो ऐसे भर देना पनीर, कैसे? काफी ज्यादा सी, मतलब मजा आ जाए सैंडविच खा के, ऐसे लगे भाई कि एक सैंडविच में ही बॉडी बन जाएगी आज। और अपने गर्मा गर्म सैंडविच आ चुके हैं, पहले खा लूं फिर व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि ये टूट टूट के गिर जाएगा उन्ना। जिम से आके मैंने सैंडविच वगैरह भी खा लिए लेकिन मैं नहाया नहीं हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि अभी अमित भैया आ रहे हैं और हमारी मम्मी का कहना है कि एक टाइम पे बेटा एक ही गीजर चलाओ, दोनों गीजर मत चलाओ। अब मैं अपना चला देता हूँ तो ये बंद कर देती है, अब इनसे पूछो जरा। हाँ जी तो दोनों एक साथ चलाएंगे तो बिल नहीं आएगा। तो हमारी मम्मी जी का ये कहना है कि भाई तुम दोनों एक साथ चला देते हो तो मीटर जो है ना ऐसे दुम 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 जल्दी जल्दी ब्लिंक करता तो मीटर मतलब बिल ज्यादा आता है, तो ऐसा सुना भी है मैंने, मतलब एसी वेसी भी चला देते हैं एक साथ तो भी बिल ज्यादा आता है, पता नहीं हो सकता आता हो, लेकिन हमारे घर वाले ऐसे हैं कि भाई चलाने ही नहीं देंगे, अब चाहे बंदा लेट हो रहा हो यूं कहेंगे ना पहले उसका गीजर बंद हो जाए तब तू चला, तो कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ बोल देता हूँ हाँ उनका बंदा और अपना चला लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं चलो मान लो घर वाले अपनी है क्या है मम्मी हंस रही है बैठी बैठी। और सुनो अगर गलती से मोटर चल रही है तो तुम गीजर हाथ लगा के दिखा दो गीजर को, अगर तुमने बटन यूं दबा दिया भाई साहब बटन तोड़ के हाथ में देंगे ले ले चला रहे गीजर कैसे चला चाहे बंदे को ठंडे पानी से नहाना पड़े लेकिन गीजर नहीं चलने देंगे। सही उतारू मैं? आपके घरों में भी ऐसा होता है घर वाले कहते होंगे इतनी देर गीजर चला रहा है इतनी देर से गीजर चला रखा धुआं कर रखा बाथरूम में, यार ठंड में अच्छा भी तो लगता है गर्म पानी से नहाने में, अब घर वालों की समझ में ही नहीं आती, समझ लो अब ये बेचारे पुराने जमाने के लोग इन्हें क्या समझ में आता कि गर्म पानी से नहाते हैं, बाकी फायदा जबकि ताजी पानी से नहाने में ये मुझे पता है, लेकिन हम तो भाई मजे भी तो लेंगे गर्म पानी के ठंड के। सही नहीं कह रहा मम्मी? हाँ, भाभी कुछ ऐसा बना दो खाने का यार, कुछ ना जिम जाके ना ऐसा मन कर रहा है हेल्दी भी हो लेकिन टेस्ट में भी हो, क्या ये क्या है? मेरा मुंह। भाभी आप सूर रखते हो कभी कभी, बुरा मत मानना।
क्या बना रहे हो ये तो बता दो। चलो आज मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। नमकीन जवे है ना, नमकीन जवे बोलने वाले थे ना। आज हमारी गंध में बन रहे हैं नमकीन, नमकीन नहीं मतलब पुलाव बन रहे हैं। नालो ना सूख ले कहीं के। तो अभी अमित भाई बाथरूम में चला दूं गीजर बताओ। मैं चला रखा था पहले से ही। अरे नहीं है, उधर बैठे। अरे ट्रेडिंग कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था थोड़ी सी। अगर नाना होता ना तो एक मिनट में ना लेते आप आगे। इनका मुंह देखो फिट करी से मुंह की कितना बोल रही है। गिलहरी से मुंह के हाँ कुछ नहीं समझ में आया तो गिलहरी का मुंह। तुम्हारा भाई नहा के आ चुका है, अब खाएंगे हम भाभी के बनाए हुए शानदार बेहतरीन टेस्टी चावल। तो ये है वेज बिरयानी, वेज पुलाव चावल जो भाभी ने बनाई है। अब इसे देख के समझ नहीं आ रहा है खिचड़ी है चावल, अब टेस्ट करेंगे। इतने टेस्टी बने हुए हैं सही में। चलो तो जी एक चम्मच खा के देखते हैं पहले। खाने में तो अच्छा लग रहा है, बना दिए पता नहीं कैसे। अच्छा खाने में अच्छे हैं, देखने में नहीं है, देखने में तो कुछ ज्यादा बुरे हैं। देखने में पुलाव सा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है खिचड़ी खिचड़ी है ना। खाने में अच्छे। अभी सेम बात बोली मैंने। शाबाश ज्योति, शाबाश शाबाश। चले मेरे शेर ऐसे बोलो, शेर भाभी बोलो, चीता ही बोले हैं, शेर नहीं कहते हैं, गीधड़ी बोले हैं। और अभी हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल, क्योंकि वहां पे करेंगे हम थोड़ी सी शॉपिंग। और भाभी क्या लेना है आपको? मेरे को जैकेट। जैकेट लेनी है? कहाँ जा रहे हो आप घूमने? कश्मीर नहीं डलोज। अभी हमारा प्लान कंफर्म नहीं है लेकिन शॉपिंग बहुत जरूरी है। वाह भाई वाह है, हम गाड़ी लगाने चले गए पार्किंग में और यहाँ खाया जा रहा है, शाबाश। मूंगफली खाने से जी घबरा रहा था। अच्छा मूंगफली से जी घबरा गया इसलिए ये खाना है, लाओ दो। चलो अब मांग मत लेना। अब अंदर तो जाने नहीं दे रहा, वो भी कह रहे हैं अंदर खाना अलाउ। अच्छा अंदर अलाउ नहीं कर रहा। तो पहले बाहर खत्म करो है ना। एक बार बताओ ये वाली कैसी लग रही है? ये अमित भैया ने भेजा है मुझे, कह रहे ये वाली ट्राई कर बहुत अच्छी लगेगी। और ऐसे ही लोग आगे इंस्टाग्राम की रील भी बनाते हैं, देखो ऐसे करेंगे करेंगे। शॉपिंग करके हम निकल चुके हैं घर। अब घर पे जाके भाभी क्या बनाओगे खाने में? बना हुआ है? अरे नहीं बनाना है, बनाना है दाल चावल बना। दाल चावल रास्ते में गाड़ी रुकवाई इन्होंने, कह रही मुझे भैया की वो शॉप बढ़िया लग रही है, बढ़िया बढ़िया कैब दिख रही है। ये देखो वहाँ से आ रहे थे हम और यहाँ रुकवा दी। ओ बेटे कैसी लग रही है ये वाली? सही लग रही है, भाभी को इतना समझाया लेकिन फिर भी फिर भी मोमोज ही खाने आई है। दे दो भाई पनीर मोमोज। इन्हें कितना भी समझा लो, कितना भी आप कमेंट में समझा लो, ये नहीं मानने वाली है जब तक बीमार नहीं पड़ी। भैया मेयोनीज खाओगे? क्या कह रहे हो? मेयोनीज खाओगे? मैं नहीं खा रहा, मैं खा ही नहीं रहा। चलो खाओ मैदा, जब ये पेट में जमेगा ना, जब हॉस्पिटल लेके जाओगे किसी दिन कहोगे विनय चलियो जरा निकालियो गाड़ी, हो गई दिक्कत। मतलब लोगों ने इतना समझाया कमेंट डाउन दिया तब भी देख सकते हो आप कैसे भसके जा रहे हैं मोमोज। इतना मत बोला कभी कभी चिढ़ जाए। कभी मोमोज में मारे हाथ, मैं नहीं खा रही, कभी तेरे कहने से ही हो जाए। ओ अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। हम आ चुके हैं घर और तुम्हारे भाई ने कर लिया जैकेट चेंज यार, क्योंकि ये ना थोड़ी कंफर्टेबल है, वो थोड़ी सी ना टाइट सी रहती है, फ्लफी सी ना अच्छी लगती है मुझे। क्या हो गया, रो रही है? ओ भाभी लग गई क्या आपके? यार मैं तो मजाक कर रहा था, दिखाना दिखाना भाभी क्या हुआ, लग गई क्या आपके? अभी मेरे से लड़ रही थी अमित भाई, ठीक है? अभी इन्होंने मेरे बाल खींचे, मैंने इनका कान पकड़ के कान में ऐसे कर दिया, रो रही है। कान यूं खींच लिया पूरा, कैसे ऐसे पकड़ के दिखा, मेरे पैर पे चढ़ गए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अरे गलती से पैर रख दिया यार, सॉरी सॉरी। क्यों भाई क्यों मारता तू मेरी ज्योति को? कोई कोई ये देखो ये होता है घूसा, और वो तो अच्छा टच किया बस। सॉरी भैया बनाओ मुक्का, लो आ जाओ आओ मैं भी मारूंगा। हाथ तोड़ दूंगा, हट जाओ, हाथ मोड़ दूंगा भाभी। अरे लग जाएगी भाभी, लग जाएगी यार, लग जाएगी भाभी, लग जाएगी, पागल हो गया। और अरे कटकना कुत्ता आ गया भाई घर में। अरे अरे बस 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 आराम से, अब मुझे जाने तो दूर। गृह युद्ध छिड़ गया था, अभी गृह युद्ध इतना तो खींचा भी नहीं, इतने ड्रामे कर रही हो। चुप, एक बार देखो बाबू। हाय हाय लाया ले, ऑलिव ग्रीन है। अरे मेरे बात क्यों खींच रही हो यार? अबे देख लो, अबे अमित भैया सिर्फ तुम्हारी शर्म कर रहा हूँ, अब तक तो नहीं हाथ पर रस्सी मार के टांग देता है इन्हें। चलो बाय। भाभी ये चावल ही गरम कर दो यार, पागल हो रहा हूँ मैं, भूख से भिन्ना रहा हूँ मैं। ये देखो ये हमारा मंगवाया हुआ प्योर घी देसी एकदम, जल्दी जल्दी गरम कर दो, जल्दी जल्दी भूख लग रही है भाई। और भाभी के चोट लग गई है कोनी में,
ये मेरे कपड़े चुरा रही थी और मैं इन्हें रोकने आ खुद का हाथ कोनी लग चुकी है। मम्मी खुद मारी है इन्होंने अलमारी में कोनी अपनी, मेरे से बहस करने के चक्कर में। देखो अभी भी ढूंढ रही है हमने कपड़े। मम्मी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये मेरे कपड़े चुरा रही थी, मैं चुरा के ले आया वापस अपने। अब इनमें चुल मच रही है कि वो कहाँ गए कपड़े, मेरे कपड़े ऐसे ही। कपड़ा है मम्मी, नहीं मेरी मेरी जैकेट है। अब जैकेट तो बिलेगी है। देखो मतलब मेरी जैकेट मेरे कपड़ा उसके पीछे लड़ रही है। अभी क्या कान मैंने सही नहीं मोड़ा था, बताओ कहीं से हूँ मैं गलत, लगता है आपको मैं कहीं से गलत हूँ? ढूंढ लो जाओ, अब इनकी कोशिश जारी है। और जबकि इतने कपड़े हैं अपने, इतने सारे कपड़े, तब भी चैन नहीं है। और मेरा फोन, मम्मी देखो मेरा फोन भी ले रखा है इन्होंने, व्लॉग वाला। देखो इनके फोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन ले रखा है इन्होंने, देख रही हो? रख लो जाओ फोन, रख लो, व्लॉग ही नहीं बनेंगे, कर लो ड्रामे जितने करने। मेरी जैकेट क्यों छुपा दी? जैकेट नहीं मिली, दे रहा है फोन दो, तोड़ना। उस अबे पागल, देख लो मैं तब से बोल रही हूं, मैं जैकेट दे रहा हूं। मैं जैकेट दे रहा हूं, एक बात सुन लो, सुनो रो मत, फिर एक बात सुन लो बस। देखो 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 ये देखो कीड़ा घुसा हुआ है, देखो अलमारी में मकड़ी, देखो हाथ देखो इनके, ओह शिट भूत आ गया था इनमें, आत्मा आ गई भाभी, कोई डर जाएगा पता है, ऐसे देखेगा तो आपको। ये देखो देखना इन्हें। अरे मेरी बात तो सुनो, बात सुनो एक बार, हम दे देखना सुनो, बस एक बात का आंसर दे दो अब। बस एक, अरे अमित्या क्या करेंगे उसमें, दिलवा दे दे एक, पहले एक चीज का आंसर करवा दो मम्मी, एक सेकंड तुम भी सुनो, ये महाभारत तुम भी सुनो, बस एक क्वेश्चन का आंसर करना सच, और झूठ बोला तो नहीं मिलेगी, सच बोलना है ठीक है। वो जैकेट किसकी है? मेरी। भाई गलत बोला है, बल्ले बल्ले ले लो अब, ले लो बल्ले बल्ले, ले लो ठेंगा, ले लो मिल जाए। भाभी लग गई समझा लो इन्हें आराम से। ला रहा हूँ ये भी, ये लो पकड़ो, लो रही है, लो ले लो ले लो अब, लो ले लो लो अब ये लो। ये वाली नहीं है क्या? देखो हमारे घर में कैसे कलेश होते हैं। देखो मुर्दा बैठा हुआ नीचे, बैठ जाओ बेड पे, ला रहा हूँ, रो मत। देख लो भाई लोग कैसे लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, हमारे घर में होती है। जैकेट कहाँ गई मेरी जैकेट? तुम्हारी कैसे है? ये हंस रही है अंदर, रो रही है, तुम्हारी कैसे है? ये हंस रही तुम्हारी कैसे है? बस ये बोल दो भैया आपकी है, दे दो, कोई बात नहीं दे दो, ज्योति की है वो, ठीक है ज्योति की है। और ये देखो मम्मी को कपड़े पहन पहन के दिखा रही हैं जो लेके आई हैं, और ये लो जी मम्मी के लगा दी ठंड में कैप। भाभी ये जैकेट मेरी और अमित भैया की है, उतारो इसे। ये तो मेरी है। सही आई ना? चोर सारे कपड़े चुरा लेंगी। अब तुम्हारा भाई करेगा इस व्लॉग की एडिटिंग, तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? रोम रोम जी, इन्हें लग रहा था कि मैं इनकी तरफ कैमरा करूंगा, ये कुछ बोलेंगी, लेकिन मैंने किया नहीं। हाँ मेरी शक्ल अच्छी है, अच्छी है मेरी शक्ल, अपनी शक्ल देखो, सुअर।